नमस्कार, पत्रिका बी लाइव एट 8 PM में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज भारत में लोकतंत्र का त्यौहार था। आज मतगणना, आज उसके रिजल्ट्स आए हैं और जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि भाजपा बहुत ही ज़्यादा मतों से बढ़त पर है। तो इसी विषय में आज हमारे साथ हमारे संपादक वरुण श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, क्या कारण रहा कि भाजपा इतने ज्यादा अंकों से मतों से आगे है और राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए विधानसभा में जीत के बाद भी कांग्रेस को इतनी गंदे हार का यहाँ पर चेहरा देखना पड़ रहा है? इसमें क्या है सौरभ, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि राज्य के चुनाव और देश के चुनाव, इनमें एक जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये वो वक्त नहीं है कि 70 और 80 का वक्त नहीं है जबकि जो राज्य की सरकारें हुआ जिसकी हुआ करती थी वही केंद्र में चला जाया करता था। अब बहुत क्लासिफिकेशन है। आप क्लासिफिकेशन के आप 2-3 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सेम टाइम रिजल्ट आते हैं। आज जो रिजल्ट आए हैं 2 विधानसभाओं के भी आए हैं, जिसमें एक आंध्रा है और एक ओडिशा है। ओडिशा में जो बीजू जनता दल है, बीजद है, बीजद ने विधानसभा में जीत हासिल की और अच्छी जीत हासिल की, ट्रेमेंडस जीत हासिल की है। इसके ठीक उलट अगर हम बात करें आंध्रा में, तो आंध्रा में YSR ने अच्छी जीत हासिल की है। और आंध्रा की जो अभी तक की पार्टी रही है, आंध्रा पर जिसका माना जाता रहा है दबदबा, वो रही है TDP, तेलुगु देशम पार्टी। वहां उसको खाता खोलने के लाले पड़ गए, ये हालात उसके लोकसभा के लिए हुए और विधानसभा में भी उनकी हालत बहुत खराब है। और उसी ओडिशा में जहां पर बीजू जनता दल जीतता है, वहां बीजू जनता दल 12 सीटों पर सिमट जाता है लोकसभा में। और एक भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा में हारती है और लोकसभा में वो अपनी अच्छी खासी सीटें हासिल करती है। इसलिए ये समझा जाना चाहिए कि अब मतदाता बहुत समझदार है, चीजों को समझता है। और आप और जो नेता हैं, जो भारत के राजनेता हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए कि अब इस तरह से नहीं चलेगा कि आप जातियों से किसी को भरमाइए, आप किसी को क्षेत्रीयता से भरमाइए, आप किसी को किसी दूसरे मामले पर भरमाइए। अब भरम में कोई नहीं आता, अब बहुत स्पेसिफिक चीजों में निर्णय होते हैं। सॉरी, क्या प्रत्याशी चयन में कहीं पे कमी रह गई कांग्रेस के साथ? प्रत्याशी एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर होता है और राजनीति में बिना प्रत्याशी के, मतलब एक व्यक्ति की अपनी छवि होती है। लेकिन ये देश के ऐसे पहले चुनाव मुझे समझ में आते हैं, इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू के दौर में या इंदिरा गांधी के दौर में भी अच्छे अच्छी जीतों के साथ कांग्रेस जीतती रही है। 1984 में जब इंदिरा गांधी नहीं रही तो कांग्रेस ने जीवन में, कांग्रेस ही क्या किसी कोई पार्टी उतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकती, इसने 400+ सीटें जीती थी। इंदिरा गांधी नहीं रही थी तब, राजीव गांधी जिसमें पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ऐसा होता रहा है। लेकिन इस समय का एक ऐसा इलेक्शन है जब एक आदमी है एक तरफ और दूसरी तरफ सारे लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अगर प्रत्याशियों का निर्णय करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थी, भाजपा ने बहुत कमजोर, बहुत ही नए से चेहरे, बहुत ही गुमनाम से लोगों को उतारा था। तो असर यहाँ भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में तो सभी सभी जगह पर था, नॉट पर्टिकुलर इन स्टेट छत्तीसगढ़। आप कहीं अक्रॉस इंडिया आप जाइए, पैन इंडिया आप देखिए, बहुत ऐसे ऐसे लोगों को उतारा गया था कि जिनकी कोई पहचान नहीं थी अपनी ऐसी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक। क्या यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि मोदी फैक्टर यहाँ पर काम किया? डेफिनेटली, मोदी की लहर में फिर से, डेफिनेटली उसको हम पॉलिटिकल वेव कह लें या हम ये कह लें अंडरकरंट कह लें या हम ये कह लें कि ये किसी नेतृत्व पर देश भरोसा कर रहा है, देश के लोग भरोसा कर रहे हैं। हो सकती है उसमें कईयों खामियां हो सकते हैं आप उसके क्रिटिक हो, ये अलग विषय है। लेकिन आपको एक व्यक्ति की लोकप्रियता को जो नापने के हमारे पास जो भी औजार हैं, चुनाव जैसे औजार हैं जिनसे हम इनको नापते हैं, उनमें वो व्यक्ति खरा उतर रहा है। बिल्कुल। और कोई भी सरकार का काम कैसा रहा इसको नापने के लिए हमारे पास यही है कि वो सरकार रिपीट करती है तो ठीक काम किया है। इसके बाद प्रश्न नहीं रह जाते कि क्या GST, क्या नोटबंदी, क्या क्या बालाकोट या क्या क्या नहीं किया, क्या किया, क्या रोजगार, क्या बेरोजगार, लोगों ने वापस दिया है ना। लोग बेवकूफ नहीं होते, लोगों को बेवकूफ कहना हमारी बेवकूफी होती है। मोदी फैक्टर और देश की सुरक्षा के जो मुद्दे थे, क्या उनके सामने जो 72,000 वाली योजना थी वो फीकी पड़ गई? 72,000 वाली जो योजना थी उसको लेकर मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन पर्सनल है सौरभ। हम लोग जो है इलेक्शन के करीब 6-7-8 दिन पहले कोरबा गए थे। कोरबा जाते समय हम लोग, जो यहाँ से जो दर्शक नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ से 2 रास्ते कोरबा जाने के लिए होते हैं बिलासपुर से, एक वाया बलौदा और एक वाया जांजगीर। तो हम बलौदा के जरिए गए थे और जांजगीर के रास्ते आए थे। बलौदा वाले रोड पर बिलासपुर भी लोकसभा लग पड़ती है, उसमें एक छोटा सा पार्ट जांजगीर लोकसभा का भी पड़ता है उस रोड में एक गांव, और फिर कोरबा पड़ती है। तीनों ही पार्ट बहुत छोटे छोटे पड़ते हैं।
और जब लौट कर आते हैं तो कोरबा बड़े पैमाने पर पड़ती है, जांजगीर का बड़ा हिस्सा लगता है और बिलासपुर का एक बड़ा हिस्सा उसमें आता है। इस दौरान हम लोगों ने आते और जाते समय करीब करीब 1000 से अधिक लोगों से बात की होगी। 1000 में इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि कहीं भी हम गाड़ी रोकते थे, कहीं भी हम बाजार का दिन भी था उस समय एक गांव में, वहां भी रुके थे, तो बहुत ही रैंडमली हम लोगों ने बात की थी लोगों से। तो बात में दो चीजें बहुत साफ आई थी। पहली चीज तो ये थी कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखी थी, ये तो बहुत साफ था। दूसरी चीज ये बहुत क्लियर थी, बहुत साफ साफ लोग जो उस समय बात कर रहे थे वो न्याय योजना पे बात नहीं कर रहे थे। यानी 1000 लोगों से अगर हमने बात की होगी तो एक ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो कि जानकार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षक रहा हो या कोई और रहा हो गांव का कहीं का, उसने उसका जिक्र किया हो। 999 लोगों ने जिक्र नहीं किया न्याय योजना का। तब मैंने लौट कर आकर लिखा भी था इस पर कि न्याय योजना को ग्राउंड तक नहीं पहुंचाया जा सका। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि साइमल्टेनियसली जो पूरी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पास होती है प्रचार प्रसार की या काउंटर की या पॉलिटिक्स के जो प्रोफेशनल होते हैं वो कांग्रेस में थोड़ी कमी नजर आई। कांग्रेस 72,000 योजना को ला करके वो अपना मास्टर स्ट्रोक समझने लग गई और बीजेपी भी ये मानने लग गई कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। तो बीजेपी ने जितनी बार इन्होंने न्याय योजना को 72,000 रुपए देने की बात कही उससे 200 बार अधिक बीजेपी ने ये कहना शुरू किया कि इनकी दादी भी गरीबी हटाओ लेके आई थी, इनके पिताजी भी गरीबी हटाओ करते थे और अब ये 72,000 उनके मुद्दों को पुराना, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ये जो कह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे और आप ये नहीं कह पाए कि हम जो कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। कर्ज माफी का आप कहते जरूर थे कि हम कर्ज माफी करके दिखाई, हमने बेशक राज्य सरकार ने करके दिखाई है, लेकिन मतदाता, मैं कह रहा हूँ बार बार, मतदाता को मूर्ख समझना बिल्कुल हमारी मूर्खता है क्योंकि वो बहुत क्लियर है, वो जानता है कि उसे कर्ज माफी करवानी है तो राज्य में भूपेश बघेल को बिठाना पड़ेगा और उसे देश के राष्ट्रीय मसलों पर बात करनी है तो देश में मोदी को बिठाना पड़ेगा। ये बहुत क्लासिफिकेशन क्लियर है। टीएससी देव भी अपने क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने में असमर्थ है, क्या कारण रहा और इसका? और सिंहदेव ने पहले भी कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में 7 से 8 सीटें लाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो असफल रहे और उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का सफलता होगी अगर ऐसा नहीं होता है। दरअसल देखिए आप, इसमें दो पॉइंट है। पहला तो आप देखिए कि इलेक्शन में जब शुरू हुई कैंपेन, आचार संहिता लगती है और टिकटिंग के लिए जो रस्साकसी होती है, जो विधानसभा में थी वो लोकसभा में नहीं थी, बहुत आसानी से चीजें की जाने थी। टीएस सिंहदेव एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ताम्रध्वज साहू का भी उसमें बयान है टीएस सिंहदेव के साथ ही साथ, उन्होंने साहूओं से जुड़ा हुआ बयान दिया है कि वो नाराज हैं या नहीं है उनकी मन की बात में नहीं जा सकता, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। ताम्रध्वज साहू भी सीएम की रेस में रहे हैं, टीएस भी सीएम की रेस में रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से उन लोगों का ये एक रणनीतिक सफलता कह सकते हैं। राजनीतिक रूप से उन्होंने इसमें बड़ी कूटनीति अपनाई कि उन्होंने प्रत्याशी चयन में भूपेश बघेल को फ्री हैंड दिया, कैंपेन में भूपेश बघेल को फ्री हैंड दिया, सारे तरह की जो भी इलेक्शनल जो होती हैं वोट वाले चुनाव में जो कुछ भी हो सकता है उसने समय फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड देने के बाद अब टीएस सिंहदेव इसलिए सेफ हैंड हो जाते हैं कि उनके पास ये बहुत क्लियर है कि वो अगर सरगुजा नहीं जिता पा रहे हैं तो भूपेश बघेल भी अपनी दुर्ग लोकसभा को नहीं जिता पा रहे हैं जो उनकी उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनके साथ साथ 4 मंत्रियों की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, तो वो सब मिलकर के भी अगर दुर्ग नहीं जिता पा रहे हैं, टीएस सिंहदेव का सरगुजा ना जिता पाना इतना बड़ा प्रश्न नहीं रह जाता। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक कैंपेन्स चल रहे थे तो भूपेश बघेल लगातार, मैंने इस पर लिखा भी था कि भूपेश बघेल लगातार जो है वन मैन शो कर रहे थे, हर जगह जाते थे, हर जगह पर उनका बिलासपुर में होता था। उन्होंने 9 से 10 नौ दस यहाँ पर 2-10 बार आए हैं, उनका बहुत खास से पैसा लार यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया और लाने की कोशिश करी, इसमें कोई शक नहीं। एक अच्छे राजनेता को करना भी ऐसा चाहिए, उन्होंने वो किया। लेकिन आपको याद हो कि जब अंतिम चरण हो गया, यानी जब यहाँ का खत्म हो गया इलेक्शन 23 अप्रैल को, तब फिर वो भूपेश बघेल का बयान आया। बयान ये आया था कि कांग्रेस को हम जो है मेरे बड़े भाई हैं, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज मेरे बड़े भाई हैं। जब कैंपेन चल रही थी, जब
प्रत्याशी चयन हो रहे थे, सारे निर्णय हो रहे थे, तो कोई बड़ा या कोई छोटा भाई नहीं था, सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, वो भूपेश बघेल थे। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आईबी की रिपोर्ट आती है या जो भी उनको अनुमान लगता है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, समझ सकते हैं लोगों का जनमन की क्या लोग सोच रहे हैं, तो उनको समझ में आया होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं। तभी समझ लेना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जैसा कि अपेक्षा की गई थी। तो ये कहने सुनने की बात है, देखने की बात है कि एक वन मैन आर्मी होते हैं, फिर दो लोग और उनके साथ चलते हैं, और फिर वो एक समय आता है, फिर आज उनका मौका है, वो कहेंगे और कह के दिखाएंगे उसको। क्या पार्टी मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई थी या फिर पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं थे? नहीं, इसमें दो बातें बहुत साफ है कि एक बात तो ये होनी चाहिए कि हम एक खंभे की आलोचना करते हैं, हम उस खंभे को गिराने की कोशिश करते हैं, और एक होता है हम उस खंभे के बरक से एक खंभा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो है विनाशात्मक आपका एटीट्यूड, एक है सृजनात्मक आपका एटीट्यूड। जो खंभा है वो खंभा अगर मान लो नहीं, उसके गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके ना गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम उसमें ऊर्जा क्यों लगाएं? हम उसके पैरेलल अपना एक उतना ही सुंदर, उतना ही मजबूत, उतना ही दृढ़ एक खंभा खड़ा करें। तो कांग्रेस यहाँ चूक हुई है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने जो है मोदी मोदी और मोदी, सिर्फ मोदी पर केंद्रित पूरा इलेक्शन रखा, ये जानते हुए कि मोदी के पास इनसे ज्यादा दांव है, इनसे ज्यादा पेंच है, और इनसे ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की क्षमता है, बावजूद उनने पूरा विषय पर ये कह सकते हैं कांग्रेस ने छोटा दांव खेला कह सकते हैं, बड़ा दांव कह सकते हैं। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ, आप कह रहे थे हम व्यक्तिवाद राजनीति के विरोधी हैं, और व्यक्ति को ही आप टारगेट कर रहे हो। अगर व्यक्तिवाद राजनीति के विरोधी हो तो व्यक्ति नहीं, वो संस्था है। बिल्कुल। और संस्था है तो उसके दल पर चोट करिए, उसकी नीतियों रीतियों पर चोट कीजिए, और मोदी शब्द से बचिए। लेकिन आप कैसी बयान देते हो कि आप इंडिविजुअलाइज कर दिया इलेक्शन को, इंडिविजुअलाइज किया, और फिर कुछ ऐसे जो उनके जो कुछ ऐसे राजनेता हैं कांग्रेस के अंदर जिनसे गाहे बगाहे या अति आत्मविश्वास में ऐसा हो जाता है कि सारी वेव ही पलट जाती है। इलेक्शन का क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे लास्ट में कि क्या इससे सीख मिलती है इस इलेक्शन से, क्या देख सकते हैं इस इलेक्शन? ये इलेक्शन में बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए भी एक शिक्षा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शिक्षा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या शिक्षा है ये समझने की, बीजेपी इस जीत से छत्तीसगढ़ के बारे में जीत से छत्तीसगढ़ की बीजेपी उत्साहित हो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने मोदी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को कम चुना है। वजह बताता हूँ, 2018 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार गई, जब वो सरकार नहीं रही और भूपेश बघेल की सरकार आई, अरे कांग्रेस की सरकार आई और वो ट्रेमंडस प्रचंड बहुमत के साथ आई, तो हमने ये मान लिया कि शायद ही कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत तो है, लेकिन उससे बड़ी बीजेपी की हार थी, और बीजेपी की में भी कुछ दो चार दस लोग थे जो अधिकारिज्म, जो अधिकारवाद, अधिकारीवाद, जो अफसर शाही भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में बिल्कुल चरम पर थी, सुन ही नहीं रहे थे आप, उसके खिलाफ आवाज थी, उसमें उन्होंने कांग्रेस को जिताया। अब इस बात पर मोहर कब लगती है, जब 2019 लोकसभा के नतीजे आते हैं। नतीजे बहुत साफ साफ कहते हैं कि जिन विधानसभाओं में आपके जीतने के लाले पड़ गए थे, जिन जिले मतलब पूरे अगर हम 27 जिलों की बात करें, सिर्फ एक लौता मुंगेली जिला है जहां पर कांग्रेस शून्य है और बीजेपी की दोनों सीटें विधानसभा में, नहीं तो प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जहां कांग्रेस की प्रेजेंस ना हो, और ऐसे कई जिले हैं जहां बीजेपी शून्य है, जिनमें आप उठा लीजिए आप पूरा सरगुजा से लेकर रायगढ़ से लेकर जशपुर से लेकर के आप कोरिया में आ जाइए, आप कोरबा में आकर 19वें नंबर की सीट रामपुर पहली सीट होती है जो जीतते हैं, वरना आप 18 सीटें हारते हैं। मतलब एक से जब शुरू होती है 90 तक, तो 19वें नंबर पे बीजेपी का खाता खुलता है, तो इतनी बुरी हार होती है। और फिर उसकी मोहर अब लगती है लोकसभा में कि हमने देखो किसको हराया था, जैसा राजस्थान में हुआ। राजस्थान में ये नारा चलता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उन्होंने वसुंधरा को बदला और मोदी को देख लीजिए आप जाकर के, फिर उन्होंने 25-25 सीट दे दी गठबंधन को, एक सीट उन्होंने गठबंधन को दे रखी थी, 24 सीट बीजेपी को दे दी। तो लोग बहुत ही मतलब बहुत क्लियर है, आपको समझना पड़े अब। लेकिन बीजेपी के लिए ये अंतिम अवसर था, लोगों ने बता दिया है कि हमें ये लोग नहीं चाहिए, राज्य के लोग नहीं चाहिए। उनमें नाम लेकर भी हम बोले तो डॉक्टर रमन सिंह हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, अजय चंद्राकर हैं, राजेश मूढ़त हैं, जो भी जो घिसे पिटे से चेहरे हैं वो नहीं चाहिए, लोग बहुत साफ कह चुके हैं। अब चाहिए उनको नए लोग,
वो भी 30 से 50 वर्ष के लोग, आप लाइए नए लोगों को, नए लोगों को बिठाइए, आप उनको अध्यक्ष बनाइए, उनको नए विधायक, किसी बहुत नौजवान विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाइए आप, उसी को पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व कीजिए और इनको किसी दूसरे राष्ट्रीय कार्यों में ले लीजिए, राज्य से इनको बिल्कुल पूरी तरह से अनटच कीजिए, ये लोगों का मैंडेट है, बीजेपी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगी तो अभी आप देखिए दीपक बैज जो लोकसभा में चले गए, एक विधायक और एक विधायक दुर्भाग्य से एक दुर्घटना के शिकार हुए और शहीद हुए मंडावी, तो दो सीटें खाली हो गई हैं विधानसभा की, उनपे उपचुनाव होंगे अगले 6 महीने के अंदर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होने चाहिए, तो बाई इलेक्शन उनके अगस्त सितंबर तक हो जाने चाहिए, अक्टूबर तक अधिकतम हो जाने चाहिए। वो बाई इलेक्शन में ये लोगों ने दे दिया, बोल दिया कि अगर बीजेपी ने ये परिवर्तन नहीं किए, अपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं हटाया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया, नौजवानों को नहीं बिठाया, नई फौज को मौका नहीं दिया, तो फिर वो चुनाव में बता देंगे कि हम बहुत क्लियर है। बीजेपी ने ये दिखाया था, 100 लोग एक छोटे से राज्य में 125 करोड़ मतदाता वाले, 90 विधानसभा वाले, 11 लोकसभा वाले, एक छोटे से राज्य में 3 करोड़ की आबादी के में 100 चुनावी चेहरों को बदलकर बीजेपी ने यह संदेश दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको बुरा लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं ये चेहरे, तो ये हम नहीं देंगे आपको। ये संदेश बीजेपी ने दिया था जिसका रिजल्ट आज आया है और लोगों ने उस संदेश का सम्मान भी किया है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब लेकिन ये संदेश भी है कि अब इनको आप पूरी तरह से आउट कीजिए। जैसे आप देखो 11 दिसंबर को मौन व्रत धारण करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और उनका मौन व्रत रहता है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं प्रदेश के अंदर होती हैं लेकिन वो बैकफुट पे बने रहते हैं अपने लोगों को बचाने में, जो कुछ भी है जाने क्या भय उनके अंदर है। और वो कब मौन उनका व्रत भंग होता है, आज 23 मई 2019 को जब ट्रेमेंडस जीत होती है तो क्रेडिट लेने के लिए हर टेलीविजन पर नजर आते हैं, नहीं तो आप 6 महीने गायब रहते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी, ये मतदाता बहुत समझता है, और अगर आप चलाएंगे तो आपको भी खारिज करेगा मोदी जी, वो आपको भी हटाएगा जी। तो ये आप देख रहे थे हमारे साथ इलेक्शन स्पेशल, लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका बिलासपुर। धन्यवाद।